लबैक टूर्स एंड ट्रैवल्स का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। बेलगाम शहर के आज़म नगर में आज लबैक हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का शानदार इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर अंजुमन इस्लाम के सदर आसिफ सेठ, मौलाना सलीम नदवी, अब्दुल गफूर घीवाले वगैरह खुसूसी तौर पर शरीक रहे। आसिफ सेठ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लबैक टूर्स एंड ट्रैवल्स के क़याम पर मनियार व मुजावर बरादरान को मुबारकबाद पेश की है। नया कदम उठाया है लबैक हज टूर्स एंड ट्रैवल्स का। ये हज के लिए और उम्रा के लिए, हमारे जो भी जाती हैं हाजियों के लिए और जो उम्रा के लिए जाते हैं उनके लिए सहूलत होंगी। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और यही कहता हूँ कि जो भी सफ़र में हैं, जो भी जाते हैं, उनका ख्याल रखिए। और आप जब ख्याल रखेंगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा, नाम भी बढ़ता जाएगा और उससे सवाब भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना सलीम नदवी ने भी अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आज इस वक्त हम आज़म नगर में एक लबैक टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इन्होंने ऑफिस बनाई, आज इसका इफ्तिताह हुआ। शहर के माशाल्लाह सियासी, दीनी और अदबी और शायर हजरात भी आए हुए हैं। बड़ी खुशी है, खूबसूरत मंजर है। ये लबैक टूर्स एंड ट्रैवल्स मनियार साहब की फैमिली और मुजावर साहब, ये दोनों हजरात मिलकर के इंशाल्लाह चलाएंगे। हम इनके बारे में अच्छी उम्मीद रखते हैं कि आप इंशाल्लाह खिदमत अच्छी करेंगे। जो हाजी हज को जाएंगे, जो उमरा करने जाएंगे, खिदमत का ये सबसे बड़ा मौका है। वैसे तो इंसान दुनिया कमाता है, लेकिन दुनिया इबादत के रास्ते से आदमी को मिल जाए और एक तरफ अल्लाह भी मिल जाए और एक तरफ दुनिया भी मिल जाए, ये बड़ी सआदत की बात है। तो हम अच्छी उम्मीद रखते हैं आपसे कि यह लबैक जो इंशाल्लाह शुरू हो रहा है हमारे शहर के लिए, हमारे इलाके के लिए और हमारे ज़िले के लिए इंशाल्लाह एक मॉडल बनेगा। और हम ये चाहते हैं कि आप ऐसी खिदमत करें कि आप हमारे यहाँ जितने ज़ाहिरीन हैं जाएँ और आपका इंट्रोडक्शन ज़बानी तौर पर बता दें, ये हमारे लिए सआदत की बात है, हमारे शहर के लिए सआदत की बात है। हम अच्छी उम्मीद रखते हैं और आपको मुबारकबादी भी देते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और दिल खोल कर हाजियों की खिदमत का अल्लाह मौका भी आपको दे और ये तौफीक भी आपको मरहमत फरमाए। अब्दुल गफूर घीवाले ने मीडिया से बात करते हुए मुबारकबाद पेश की है। आज आज़म नगर में मनियार साहब और उनके रुफका पोतरा जो है ये अरबाज मनियार, लबैक टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह हुआ है। और अभी हमारे बुज़ुर्ग जो है तफसीलात जो है इसमें आपने बताई है। और यहाँ पर जो आज़म नगर में जो है एक कशीर तादाद आबाद मुसलमानों की है और मनियार फैमिली के भी जो है इनके पहचानात और जान पहचान बहुत सारे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप जो भी यहां से उम्रा या हज के लिए जाना चाहते हैं यहां से आकर रابطہ कायम करें। लबैक टूर्स एंड ट्रैवल्स के मुंबई हेड ऑफिस के जिम्मेदार हाजी करीम उर्फ बद्दू भाई ने इसके अगराज व मकासद पेश किए। मेरा काम जो है 1989 से मेरा हज उम्रा का काम चल रहा है। आज 32-33 साल का अरसा हो गया। जब शुरुआत हमने की थी तो उस दरमियान के अंदर सिर्फ 10-12 मेहमान लोग थे बम्बई से, जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली। और माशाल्लाह वो आज इतना परवान चढ़ा है कि आज 2000 मेंबर हो गए। हम लोगों का ऑल इंडिया हज उमरा टूर ऑर्गेनाइज़र
जो हम लोगों का मतलब यानी एसोसिएशन है, इसके मार्फत हम लोगों को काफ़ी मदद गवर्नमेंट से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिलते आई है। आज मैंने इनको अपने 20 साल के जो लाइसेंस थे, जो हम लोग हज पे जाते हैं तो हज की तमाम मालूम मैंने इनको दे दी है। अब ये काम में चीटिंग भी बहुत होती है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन लोगों का है, लोगों के मेहनत की हुई कमाई ज़रा देर में ज़ाया हो जाती है। तो हम लोगों ने अपना ये जो लोग काम करते थे तो ये सिर्फ किराए की जगह लेके और 11 महीने के बाद अपना ट्रांसफर कर हो जाते थे, जबकि मेरी ये अपनी खुद की अपनी जगह है, अपना खुद का वो है, बिल वगैरह तमाम मैंने अपने ये जिनको मैंने एजेंसी दी है इनको तमाम ये दे दिया है। टेलीफोन के बिल मेरे नाम पे है, दूसरा अपना ये रेंट रिसिप्ट वो भी अपने खुद के नाम पे है, ताकि लोगों को ये विश्वास बैठे कि ये सही काम करने वालों में से है। वहीं इम्तियाज़ मुजावर ने अपने ख्यालात पेश करते हुए लब्बैक टूर्स एंड ट्रैवल्स के खसूसियात पेश की हैं। देखिए, हम लोग जो बेलगाम में लब्बैक इंटरनेशनल हज उमरा के लिए टूर चालू किए हैं, इंशाल्लाह यहाँ से रिजनेबल भाव में और अच्छी जगह और बिल्कुल वहाँ मक्का और मदीने में एकदम सहूलत के साथ में हम ले जाएंगे और वापस बेलगाम तक लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह कोई हाजी को तकलीफ़ नहीं होगी और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में ले जाएंगे और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में वापस ले आएंगे उनको। बस आप लोग सब दुआ करें हमारे लिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं उसमें आसानियाँ पैदा हो। और बॉम्बे में हमारे लब्बैक जो टूर है ऑफिस है, हम वो उनके साथ में वो करके काम कर रहे हैं, और रजिस्टर ऑफिस है सऊदी गवर्नमेंट रजिस्टर ऑफिस से हम काम कर रहे हैं। We'll be right back.